Hello friends, welcome to Shiva Learning. For more updates, you can also log into our website www.shivalearning.in. So friends, इस वीडियो में मेरे पास आप सभी स्टूडेंट्स के लिए नीट MBBS के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है और जो MBBS करना चाहते हैं नीट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ हो सकती है। तो चलिए गाइस देरी ना करते हुए शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा चैनल शिवा लर्निंग जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो MCI की तरफ से एक न्यू रूल आया है, एक नई उन्होंने घोषणा करी, एक नया ऑर्डर आया है। तो उसमें उन्होंने क्या कहा है मैं आपको बताता हूँ और इससे स्टूडेंट्स का क्या फ़ायदा होने वाला है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे पास एक न्यूज़ आर्टिकल है जिसमें लिखा है, जिसका टॉपिक है प्राइवेट कॉलेजेस टू मस्ट पे स्टिपेंड्स टू MBBS इंटर्न्स MCI बोर्ड। यानी कि MCI बोर्ड ने बोला है कि प्राइवेट कॉलेजेस को भी स्टिपेंड्स MBBS स्टूडेंट्स को, जो भी MBBS इंटर्न्स होते हैं उनको देना पड़ता है। तो मैं आपको बताता हूँ ये होता क्या है। जैसे आप नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, आप MBBS में एडमिशन लेते हैं, देन जब 4.5 ईयर की स्टडी आपकी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आपको जो एक साल तक इंटर्नशिप करनी होती है, जो अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में तो आप उसी में करते हैं, गवर्नमेंट से हैं तो गवर्नमेंट में करते हैं, तो वो वहाँ पर आपको काम करना पड़ता है एज अ डॉक्टर। मीन्स आपको जैसे ट्रेनिंग होती है इंटर्नशिप, आप सबको पता होगा, बस जिसको नहीं पता है मैं उसको बता रहा हूँ, जैसे एक प्रैक्टिस टाइप होती है और उसमें आपसे काम लिया जाता है, आपसे काम करवाया जाता है सारा, एज अ डॉक्टर ही ट्रीट करते हैं बट आप इंटर्नशिप कर रहे होते हो, जैसे CA में आर्टिकलशिप ये सब चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वो तो काफ़ी अच्छा अमाउंट पे करते हैं, और बट जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो अभी तक या तो पे ही नहीं करते थे और या बहुत कम पे करते थे। तो MCI बोर्ड ने बोला है कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको मस्ट पे, वो उन्हें ज़रूर स्टिपेंड्स यानी कि सैलरी MBBS इंटर्न्स को देनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस नियमों की अनदेखी कर रहे थे और उनको स्टिपेंड्स नहीं पे कर रहे थे, यानी कि सैलरी नहीं दे रहे थे MBBS इंटर्न्स को। तो MCI बोर्ड ने, आप देख सकते हैं इसमें नीचे लिखा है ट्यूसडे 12 फरवरी 2019, यानी कि कल ये ऑर्डर दिया है कि सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को ये ऑर्डर, ये नियम, ये नया रूल लागू करना पड़ेगा और सारे MBBS स्टूडेंट्स को, जो भी MBBS इंटर्न्स हैं अपनी स्टडी पूरी करने के बाद जो एज अ इंटर्नशिप करते हैं उसमें सैलरी पे करनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पर ये पूरा आर्टिकल है, आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, मैं नीचे लिंक दे दूँगा। और इस वीडियो के ज़रिए मैंने आपको बताया कि MCI का नया रूल क्या है और यही न्यूज़ मैंने आपसे शेयर करनी थी। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है गाइस, और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा चैनल शिवा लर्निंग जरूर सब्सक्राइब करें। नीट MBBS और JEE और एम्स MBBS की सारी अपडेट्स हमारे चैनल पर आती रहती हैं, रेगुलर अपडेट्स आती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि कोई हमारी तरफ से अपडेट आती है तो आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन जरूर आ जाए। तो मिलते हैं नई वीडियो में ऐसी नई नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।